ओके okay, तो एज आई सेड कि हमें अपना कंप्यूटर डिज़ाइन करना है वी वॉन्ग टू डिज़ाइन आवर कंप्यूटर तो अगर हमें अपना कंप्यूटर डिज़ाइन करना है तो हमें अपने कंप्यूटर को डिज़ाइन करने के लिए बट आर द थिंग्स दैट वी विल बी नीडिंग हमें अपने कंप्यूटर को डिज़ाइन करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ठीक है द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड हियर जो सबसे पहली चीज़ चाहिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ यर एल्यू ऑल यू कैन से अर्थमैटिक एंड लॉजिक यूनिट हम लोग को अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट चाहिए सो वी हैव सीन के एल यू को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं एंड इन अवर पर्पज़ जो हमारा कंप्यूटर है इसमें हम लोग यहाँ पर एडर लॉजिक यूनिट को यूज़ करें वी आर यूजिंग एडर लॉजिक यूनिट ठीक है बिकॉज हम लोग सिर्फ एडिशन ऑपरेशन को परफॉर्म करने वाले हैं एंड नथिंग एल्स ओके द सेकेंड थिंग दैट वी नीड हेयर इज़ मेमरी दूसरी चीज़ हमें चाहिए मेमोरी ठीक है कि कौन सी मेमरी है योर मेन मेमरी और रैम वट एवर यू नीड तो हमें चाहिए कि मेमरी को हम कैसे यूज़ करेंगे ओके okay? and the third thing that we need here is registers why registers because generally your memory is very slow and your alu is very very fast aapka jo alu hai wo bahut fast hota hai aur jo memory hai wo bahut slow hai ab hame kon kon se registers chahiye कौन कौन से ऐसे रजिस्टर जो हैं जो हमें चाहिए होंगे ओके लिसन टू दिस very वेरी केयरफुली फोकस ईयर बड़े प्यार से फोकस करो और इसको समझने की कोशिश करो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो कौन कौन से रजिस्टर चाहिए द फर्स्ट रजिस्टर दैट वी नीड इज़ अ प्रोग्राम काउंटर पहला कौन सा रजिस्टर आपके पास प्रोग्राम काउंटर अब प्रोग्राम काउंटर का काम क्या है द प्रोग्राम काउंटर स्टोर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट वी वॉन्ट टू एग्जीक्यूट और वो एड्रेस किसका होगा द एड्रेस विल बी प्रेजेंट इन द मेन मेमोरी सो प्रोग्राम काउंटर स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इन द मेन मेमोरी ठीक है क्लियर फाइन अभी जो हमारे पास मेमरी है दैट मेमरी दैट वी आर गोइंग टू यूज़ इट विल बी ऑफ यू नो साइज फोर जीरो नाइन सिक्स वर्ड्स हम अपने कंप्यूटर में इस कंप्यूटर में हम जो भी मेमोरी यू को यूज़ करेंगे दैट विल बी हैविंग फोर जीरो नाइन सिक्स वर्ड्स और यू कैन से टू रेस्ट पावर ट्वेल्व वर्ड्स ठीक है देर जो मेमोरी में एक लोकेशन का एड्रेस होगा एड्रेस विल बी एड्रेस विल बी ऑफ 12 बिट्स आपका जो एड्रेस है मेमोरी का वो 12 बिट्स का एड्रेस होगा ओके एंड वी कैन से कि अगर जो हमारा मेमोरी है दैट इज़ फोर जीरो नाइन सिक्स क्रॉस सिक्सटीन कहने का मतलब है कि हमारे पास जो एड्रेस है मेमोरी में वो ट्वेल्व बिट का तो एड्रेस होगा मेमोरी का वी आर गोइंग टू हेव ट्वेल्व बिट एड्रेस इन द मेमरी ओके एंड दाइज ऑफ एवरी वर्ड इज़ सिक्सटीन बिट तो वर्ड का जो साइज़ है दैट इज़ गोइंग टू बी सिक्सटीन बिट हम यहाँ पर सिक्सटीन बिट का वर्ड साइज़ यूज़ करेंगे ओके okay? जो आपका प्रोग्राम काउंटर है सो दिस प्रोग्राम काउंटर क्या स्टोर करेगा प्रोग्राम काउंटर तो प्रोग्राम काउंटर विल बी स्टोरिंग एन एड्रेस प्रोग्रास काउंटर जो है वो एड्रेस को स्टोर करेगा ठीक है इफ़ योर प्रोग्राम काउंटर विल बी स्टोरिंग एन एड्रेस तो एड्रेस कितने बिट का होगा द एड्रेस दैट विल बी हैविंग विल बी ऑफ बिट्स प्रोग्राम काउंटर जो है वो हमारा ट्वेल्व बिट्स के इन्फॉमेशन को ही स्टोर करेगा बिकॉज द Purpose of program counter is to store address. Okay, understood? Secondly, we need something called as AR. AR means we need something called as address register. हमें यहाँ पर एड्रेस रजिस्टर की ज़रूरत है एड्रेस रजिस्टर का नाम क्या है कि अगर सी किसी इंफॉर्मेशन या किसी डेटा को मेन मेमोरी से बुलाना चाहता है तो उस लोकेशन का एड्रेस हमारे पास होना चाहिए वी शुड हैव द एड्रेस ऑफ दैट लोकेशन हियर ठीक है तो वी नीड द एड्रेस रजिस्टर ओके अब एड्रेस रजिस्टर का साइज क्या होगा द साइज ऑफ दिस एड्रेस रजिस्टर विल बी ऑफ ट्वेल्व बिट्स एड्रेस रजिस्टर का जो साइज है वो भी ट्वेल्व बिट्स का होगा बिकॉज इट इज़ ओनली गोइंग टू स्टोर एड्रेस ठीक है क्लियर देन द नेक्स्ट रजिस्टर दैट वी आर गोइंग टू हैव इज ए सी ए सी को हम बोलते हैं एक्यूमुलेटर इसको हम बोलते हैं एक्यूमोलेटर नाउ वट इज द यूज़ ऑफ एक्मुलेटर बेसिकलीटर का मतलब ये है कि जो आपका ए एल यू है ठीक है आपने ए एल यू को कुछ वर्क दिया परफॉर्म करने के लिए लेट अस सपोज ए एल यू हैव टू डू सम कैलकुलेशंस और जो भी कैलकुलेशन का रिजल्ट होगा वट एवर द रिजल्ट ऑफ दैट कैलकुलेशन वी आर गोइंग टू स्टोर दैट रिज़ल्ट इन द एूमेलेटर तो एक्यूमेलेटर तो जो है इट इज़ अ जनरल परपज़ रजिस्टर यह आपका जनरल परपज रजिस्टर है इट इज़ अ जनरल पर्पज़ रजिस्टर एंड दिस जनरल पर्पज़ रजिस्टर इज़ यूज टू स्टोर यू you नो know, uh, क्या स्टोर करेगा एक्मलेटर आपका इट विल स्टोर द रिजल्ट ऑफ द कैलकुलेशन परफॉर्म बाय द सी पी जो भी कैलकुलेशन सी पी ने परफॉर्म की है उसका रिजल्ट स्टोर करेगा एंड बिकॉज इट इज इट हैव टू स्टोर द डेटा बिकॉज इसको डेटा को स्टोर करना है दैट इज़ वाई द एक्मलेटर विल बी ऑफ सिक्सटीन बिट एक्यूमेटर जो है वो एक सिक्सटीन बिट का रजिस्टर है राइट right? आप देखो सिक्सटीन बिट का रजिस्टर कैसे बना सकते हैं वेरी वेरी सिंपल बहुत आसान है कैसे टेक अ डी फ्लिप फ्लॉप कितने डी फ्लिप फ्लॉप लेने की ज़रूरत है वी आर जस्ट गोइंग टू टेक 16 डी फ्लिप फ्लॉप हम लोग यहाँ पर 16 डी फ्लिप फ्लॉप को यूज़ कर सकते हैं सो इन एवरी डी फ्लिप फ्लॉप वी आर गोइंग टू स्टोर वन बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन यानी कि अगर आपका एक रजिस्टर 16 बिट का है तो हमें 16 डी फ्लिप फ्लॉप लेने की जरूरत है दैट्स इट ओके तो ये हमारा एक्यूलेटर हम यूज़ करेंगे यानी कि जो सी जो भी कैलकुलेशन को परफॉर्म करेगा उसका रिजल्ट ओके okay? सेकेंड जो हमें इसके बाद जो रजिस्टर यूज करने की ज़रूरत है उसका हम बोलेंगे आई आर आई आर का मतलब है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हमें यहाँ पर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का यूज़ करना पड़ेगा अब काम क्या है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का द वर्क ऑफ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इज़ टू होल्ड एन इंस्ट्रक्शन यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शन आपको एल्यू से एग्जीक्यूट करानी है उस इंस्ट्रक्शन को हमें यहाँ पर होल्ड करना है ठीक तो है तो आपका जो इंस्ट्रक्शन है दैट इंस्ट्रक्शन विल बी ऑफ सिक्सटीन बिट हम यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है वो 16 बिट का यूज़ कर रहे हैं यानी कि जो इंस्ट्रक्शन है वो 16 बिट की इंस्ट्रक्शन होगी कहने का मतलब क्या है देखो अगर मैं बोलता हूँ कि हमारे पास इंस्ट्रक्शन है ऐड समथिंग लाइक ऐड आर नॉट राइट या फिर हमें कुछ ऐड करना है किसी मेमोरी लोकेशन से ऐड लाइक फ्रॉम द मेमरी लोकेशन थ्री ठीक है अब ये क्या है ये हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है इस इंस्ट्रक्शन के दो पार्ट हैं पहला पार्ट कौन सा आपके पास ऑपरेशन कोड एंड सेकेंड पार्ट विल बी योर एड्रेस दूसरा पार्ट कौन सा आपके पास एड्रेस ठीक है अब ध्यान दो एक चीज बहुत इंटरेस्ट है यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है यू विल लिटरली लाइक इट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कितने बिट का बेटा कितने बिट का है सिक्सटीन बिट का इंस्ट्रक्शन रजिस्टर विल बी ऑफ सिक्सटीन बिट कितने बिट का है सिक्सटीन बिट दो पार्ट में डिवाइड किया किस किस में एक होगा आपके पास एड्रेस और दूसरा होगा आपके पास ऑपरेशन कोड नाउ नाउ राो हमारे पास ये जो एड्रेस है द एड्रेस इज़ ऑफ ट्वेल्थ बिट एड्रेस ख़ुद में आपका ट्वेल्व बिट का है यानी कि अगर आपका एड्रेस ट्वेल्थ बिट का है तो आपका जो ऑपरेशन कोड है वो फोर बिट का होगा अंडरस्टूड ऑपरेशन कोड जो है वो फोर बिट का होगा कहने का मतलब है ये जो एड इंफॉर्मेशन ऐड जो है वो फोर बिट से रिप्रेजेंट किया गया है इफ़ वॉन्ट टू से हमारा ऑपरेशन सब्ट्रैक्ट है सबट्रैक्ट ऑपरेशन विल बी ऑफ फोर बिट राइट right? मतलब जो भी आपके यहाँ पर ऑपरेंट ऑपरेशन हैं जो भी ऑपरेशंस हैं उन सभी ऑपरेशंस को हम फोर बिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं यानी कि आप कह सकते हैं सर फोर बिट से लेकर हम मैक्सिमम कितने ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर पाएंगे वी कैन रिप्रेजेंट सिक्सटीन बिट ऑपरेशन मतलब सिक्सटीन ऑपरेशन हम ये जो आपका मशीन है इट कैन परफॉर्म सिक्सटीन ऑपरेशन बट अगेन इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि सिक्सटीन से ज़्यादा ऑपरेशन को परफॉर्म कर पाए बट इन दैट केस वी ऑल्सो हैव ज़ीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन उसमें हमारे पास जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शंस भी हो सकती हैं जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे वी आर गोइंग टू डिस्कस जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन लेटर ऑन राइट नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि हमारे पास जो भी ऑपरेशन होगा वट एवर ऑपरेशन वी वॉन्ट टू परफॉर्म दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाई फोर बिट ठीक है तो आई आर इज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ठीक है क्लियर नीतू आल डिस्कस अबाउट एम ए आर लेटर ऑन मैं जो मेमरी एड्रेस सिस्टर उसके बारे में डिस्कस करूँगा ओके एंड बाय द वे दिस एम इज़ सेम एड्रेस रजिस्टर एंड एम एमरी एड्रेस रजिस्टर दोनों दोनों सेम है एम एंड ए दोनों एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं ओके देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज टी आर टी आर मीन्स टेम्पोरेरी रजिस्टर आपको अगला जो रजिस्टर चाहिए वो चाहिए टेम्परेरी रजिस्टर ठीक है अब वॉट इज़ द यूज़ ऑफ टेम्प्रेरी रजिस्टर टेम्परेरी रजिस्टर का यूज़ क्या है बेसिकली जब भी आप कुछ इन कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर रहे हैं तो वहाँ पर कुछ टेम्प्रेरी डेटा प्रोड्यूस हो सकता है करेक्ट जैसे लेट अस सपोज इफ यू आर एडिंग वन वन जीरो वन विद वन ज़ीरो वन वन राइट जब आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे दे विल बी सम काइंड ऑफ कैरी एक कैरी यहाँ पर जनरेट होगा सो फॉर दिस कैरी यू कैन यूज़ अ फ्लैग फ्लैग आप यूज़ कर सकते हो से कि यहाँ पर कोई कैरी जनरेट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा करेक्ट कुछ कैरी जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा लेकिन समटाइम्स यू माइट ऑल्सो नीड ए टेम्प्रेरी रजिस्टर इसी तरीके से जो कुछ एक्स्ट्रा टेम्प्रेरी डेटा प्रोड्यूस हुआ है यू आ परफॉर्मिंग सम कैलकुलेशन अभी मेरे माइंड में कोई एग्जाम्पल नहीं आ रहा है इफ एग्जाम्पल विल कम आई शो यू द एग्जाम्पल बट यू आर परफॉर्मिंग सम कैलकुलेशन एंड इन दैट कैलकुलेशन समाइम्स यू हैव टू स्टोर सम टेम्प्रेरी डेटा अब जो भी टेम्प्रेरी डेटा आप स्टोर करेंगे उसके लिए वी आर गोइंग टू यूज़ द टेम्प्रेरी रजिस्टर्स हम टेम्प्रेरी रजिस्टर्स का यूज़ करेंगे टेम्प्रेरी डेटा को स्टोर करने के लिए तो हमें टेम्प्रेरी रजिस्टर्स चाहिए ओके इतना क्लियर है अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सर आई एन पी आर आई एन पी आर मीन्स इनपुट रजिस्टर यानी कि जो भी आपके कीबोर्ड है ठीक है जैसे 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 दिस इज़ अ कीबोर्ड राइट सो आप और मैं यूज़र्स क्या करेगा इस कीबोर्ड पे कुछ क्लिक करेगा सो so, जो भी हम लोग इस कीबोर्ड पे एंटर करेंगे ठीक है दैट इज़ अ इनपुट की वन टू दीपी तो उस इनपुट को हम इस इनपुट रजिस्टर के अंदर स्टोर करेंगे ठीक है इसके अंदर स्टोर करेंगे इनपुट रजिस्टर के अंदर ओके देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज ओ यू टी आर ओ यू टी आर मीन आउटपुट रजिस्टर यानी कि जो भी आउटपुट आप यूजर को दिखाना चाहते हैं वट एवर आउटपुट यू वॉन्ट टू शो टू द यूजर दैट विल बी स्टोर्ड इन द आउटपुट रजिस्टर तो उसको किसमें स्टोर करेंगे हम लोग आउटपुट रजिस्टर के अंदर ठीक है तो जो इनपुट रजिस्टर है दिस इनपुट रजिस्टर विल बी ऑफ एट बिट योर आउटपुट रजिस्टर ऑल्सो विल बी ऑफ एट बिट योर टेम्प्रेरी रजिस्टर विल बी ऑफ सिक्सटीन बिट ठीक है सो दिस इज़ द साइज ऑफ रजिस्टर्स तो ये सभी रजिस्टर्स हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं तो ये सभी जो रजिस्टर हैं ऑल ऑफ दिज रजिस्टर्स आर मैंडेटरी ये सभी रजिस्टर आपको यूज करने मैंडेटरी है अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बिकॉज ये मिनिमम नंबर ऑफ रजिस्टर है ऑब्वियसली इससे ज्यादा रजिस्टर आपके पास हो सकते हैं बट ये मिनिमम नंबर ऑफ रजिस्टर कम से कम इतने रजिस्टर तो आपके पास होने ही होने चाहिए अगर इतने रजिस्टर नहीं है देन योर सिस्टम कैन नॉट वर्क आई मीन फॉर एफिशिएंट फंक्शनिंग नॉट नॉट रियली की कैन नॉट वर्क ऑवस्ट इट कैन वर्क यू कैन डिजाइन अ सर्किट यू कैन डिज़ाइन अ सिस्टम बट फॉर एफिशियंट फंक्शनिंग दीज रजिस्टर्स आर एब्सोल्यूटली इंपॉर्टेंट ये सभी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ठीक है गुड तो यानी कि जो बेसिक कंप्यूटर है उसके अंदर रजिस्टर्स कौन कौन से हो गए लेट मी शो यू द रजिस्टर्स तो बेसिक कंप्यूटर जो हमारा है उसमें कौन कौन से रजिस्टर हो गए यहाँ पर द फर्स्ट रजिस्टर इज़ योर प्रोग्राम काउंटर तो प्रोग्राम काउंटर आपका ट्वेल्थ बिट का है यानी कि बिट नंबर जीरो से लेकर बिट नंबर एलेवन तक ये आपका एड्रेस स्टोर करेगा जो भी मेमोरी है आपकी उसका एड्रेस स्टोर करेगा सेकेंड इज़ योर एड्रेस रजिस्टर विच इज़ ऑलसो कॉल्ड एज एम ए आर मेमरी एड्रेस रजिस्टर भी इसको बोलते हैं वी कैन ऑलसो कॉल इट एज एड्रेस रजिस्टर तो बिकॉज इसको भी एड्रेस स्टोर करना है सो अगेन इट विल बी ऑफ ट्वेल्थ बिट थर्ड विल भी योर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इट इज़ ऑफ सिक्सटीन बिट फोर्थ विल बी योर टेम्प्रेरी रजिस्टर विच इज़ अगेन ऑफ सिक्सटीन बिट फिफ्थ विल बी योर इनपुट एंड आउटपुट रजिस्टर्स बोथ ऑफ दैम आर ऑफ एट बिट सिक्सथिल बी योर डेटा रजिस्टर्स दट इज़ ऑफ सिक्सटीन बिट एंड दैवथ विल बी योर एक्मलेटर दट इज ऑफ सिक्सटीन बिट तो ये जो सभी रजिस्टर्स हैं ये हमारे पास कंप्यूटर्स के अंदर होने चाहिए सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन सभी रजिस्टर का जो काम है वो यहाँ पर लिखा भी हुआ है ओके यू कैन ऑल्सो डीडिट हियर तो क्या क्या रीड कर सकते हैं सो दिस डेटा रजिस्टर वेन एन ऑपरेंड इज फाउंड यूजिंग आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग इट इज़ प्लेस्ड इन द डेटा रजिस्टर यानी कि हमने क्या किया कि ये आपका मेमोरी है राइट एंड दिस इज़ योर ए एल यू ठीक है अब मेमोरी से हमने ए एल यू में कुछ डेटा को मंगाया तो उस डेटा को हम डायरेक्टली ए एल यू में नहीं देंगे बट रेदर वी विल प्लेस द डेटा इन द डेटा रजिस्टर एंड फ्रॉम दिस डेटा रजिस्टर आई कैन गिव द डेटा टू द एल यू ठीक है समझ आया तो ये सभी रजिस्टर जो है हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे फाइन अब एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर अगर आपने इन सभी को यूज़ किया तो इनको कनेक्ट कैसे करोगे कैसे इन सभी के बीच में इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होगी ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है यू शुड आस्क मी दिस क्वेश्चन कि मेरे प्यारे सर मेरे प्यारे हिमांशु सर आई लव यू सर बट सर प्लीज़ टेल मी कि इन सभी बीच में कैसे डेटा ट्रांसफ़र करोगे सर आप अपने आप को समझदार तो बहुत समझते हो यू फील कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो बट सर कैसे करेंगे मतलब आई डोंट थिंक सो कि आपने ऐसा कुछ बताया सर आप बहुत डफ़र हो तो कैसे करेंगे राइट right? तो एक बहुत प्यारा क्वेश्चन आपके पास ये हो सकता है यस yes? तो हाउ कैन यू डू दिस तो कैसे हम इसको कर सकते हैं तो इसको करने के लिए एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ योर सिस्टम बस इसके लिए हम लोग सिस्टम बस का यूज़ करेंगे ठीक है तो सिस्टम बस जो है योर सिस्टम बस कंटेन्ड कंटेनिंग थ्री टाइप्स ऑफ बसेस सिस्टम बस जो है वो तीन तरह की बसेस से बनते हैं पहला कौन सा है द फर्स्ट बस इज़ योर यू नो कौन सी बस है आपके पास डेटा बस पहला बस कौन सी है डेटा बस द सेकेंड बस इज़ योर कौन सी एड्रेस बस एड्रेस बस ओके एंड द थर्ड बस विल बी योर कंट्रोल बस ठीक है तीसरी है आपके पास कंट्रोल बस तो जो हमारी सिस्टम बस है उसके अंदर तीन चीज़ें हैं डेटा बस एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस तो अब सबसे पहले देखते हैं कि सिस्टम बस को डिज़ाइन कैसे करते हैं हाउ कैन यू डिज़ाइन द सिस्टम बस ठीक है बाय द वे जैसे ये आपका डायग्राम है इस डायग्राम में दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग योर सिस्टम बस ये जो है ये आपकी सिस्टम बस को रिप्रेजेंट कर रही है एंड हियर इट इज़ अ कॉमन बस सिस्टम बस जो है यहाँ पर कॉमन बस है तो एडस ये कि हम सिस्टम बस को कैसे डिज़ाइन कर सकते